गूगल कीप के एक यूनिक फीचर के बारे में आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं। गूगल कीप नोट्स में एक यूनिक फीचर दिया हुआ है कि आप पर्टिकुलर जब कोई लोकेशन पे विजिट करेंगे तब आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। कहने का मीन्स फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई व्यक्ति कहता है कि जब आप उस जगह पे जाइएगा तो हमारे लिए ये ले आइएगा, या फिर आप भी कभी सोचते होंगे जब हम वहां जाएंगे तो इनसे मिलेंगे, या फिर आप जब वहां जाते हैं या फिर किसी लोकेशन पे जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ परचेज करने के बारे में सोचते हैं। बाद में क्या होता है फ्रेंड कि जब आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो आपके माइंड से उतर जाता है या फिर आपको ध्यान नहीं रहती वहां पे जाने के बाद, या फिर वहां से जब आप लौट के आते हैं तो काश याद रहता, क्या कोई रिमाइंडर आ जाता तो हम तुरंत से वहां पे परचेज कर लेते, मिल लेते या फिर कोई भी वर्क वहां पे कर लेते। तो ऐसा ही कुछ अच्छा सा फीचर आपको देखने को मिल जाता है गूगल कीप में। गूगल कीप में एक बेस्ट फीचर दिया हुआ है कि आप जब पर्टिकुलर लोकेशन पे विजिट करेंगे, पहुंच जाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक रिमाइंडर आ जाएगा, आपको रिमाइंड दिला देगा कि आपको यहां पे ये वर्क करना था, ये परचेज करना था या फिर इस व्यक्ति से आपको मिलना था। तो आइए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जान लेते हैं कैसे हम ये रिमाइंडर फीचर का यूज कर सकते हैं लोकेशन पे जब विजिट करेंगे तो हमको ये रिमाइंड मिल जाए। सो फ्रेंड, गूगल कीप रिमाइंडर लगाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा गूगल कीप। अगर आपके मोबाइल पे डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑलरेडी डाउनलोड है और यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो उसे अपडेट कर लीजिएगा अगर ओपन वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। अभी फिलहाल मैंने इसको अपडेट कर लिया तो इसलिए डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा टाइटल और फिर नीचे देखने को मिल जाएगा नोट्स। तो टाइटल में आप दे सकते हैं जब भी जो भी ऑप्शन आपको देना हो टाइटल में। मान लीजिए कि हम लखनऊ जब भी विजिट करें तो हमको रिमाइंड आ जाए कि हम इस फ्रेंड से मिलना है, तो लखनऊ मीट माई फ्रेंड, उसके बाद जो भी फ्रेंड का नाम है आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नोट्स अगर आपको लिखना हो तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक बेल वाला आइकन देखने को मिल रहा होगा नोटिफिकेशन टाइप का, तो यहाँ पे रिमाइंडर वाला ऑप्शन इसे बोलते हैं यहाँ पे, तो आप रिमाइंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही रिमाइंडर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक टाइम और एक प्लेस। तो अब हमको क्या है कि प्लेस के लिए रिमाइंडर लगाना ना कि टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लेस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको होम वर्क और एडिट लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एडिट लोकेशन पे जाना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप एडिट लोकेशन पे जाएंगे तो हो सकता है आपके फ़ोन पे लोकेशन की परमिशन मांगे, तो यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, अलाउ कर दीजिएगा लोकेशन के लिए। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे गूगल मैप का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब ये सर्च वाले ऑप्शन पे आना होगा, यहाँ पे आपको उस लोकेशन को इंटर करना होगा। मान लीजिए हमको लखनऊ के लिए विजिट करना है तो लखनऊ इंटर करना होगा और यहाँ पे लखनऊ हम सेट कर देंगे। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको सेव पर क्लिक कर देंगे अब ये रिमाइंडर आपका सेव हो गया। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे सेव हुआ है तो यहाँ पे आइएगा थ्री डॉट पे और यहाँ पे रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। रिमाइंडर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होने वाला है फ्रेंड्स कि जब कभी आप लखनऊ विजिट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन बार पे देखने को मिल जाएगा। आयो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि गूगल कीप के इस लोकेशन वाले फीचर को कैसे यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट को बिना आपकी जानकारी के कौन कौन यूज कर रहा है तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरा ये वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके बिना जानकारी के आपके फेसबुक अकाउंट को अपने मोबाइल पे कौन कौन एक्सेस किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो पे।